फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन करेंसी पेयर के बारे में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस वीक में हम यूरो यूएसडी जीबीपीयूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जिससे आज आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे इस वीक में और इजी कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एनालाइज करेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। इस वीक का एनालाइज करने से पहले हम देखेंगे प्रीवियस वीक में हमने यूरो यूएसडी में क्या एनालाइज किया था और यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ने किस तरीके से ट्रेड किया है। प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था कुछ इस तरीके से था। यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया था, साथ में एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट एरिया मार किया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट है कुछ इस लेवल के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा था, जैसे कि आप डेट के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस टाइम पे हमारा क्या एनालाइज था, किस तरीके से हमने यहाँ पे एनालाइज किया था, हमारा सिंपल सा व्यू था। हमने देखा ये ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। देखिए यहाँ से अगेन हमने क्या एक रेजिस्टेंस एरिया मार किया था। तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, अभी हमें वेट करना चाहिए, हमें यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है लेकिन इस लेवल से देखना है। मार्केट को आने देंगे इस रेजिस्टेंस के आसपास, फिर यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉइंग बनी हुई है। अगर आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो हमारा क्या व्यू था, अभी मार्केट हो सकता है मे बी इस सपोर्ट को भी अगर ब्रेक करता ना तो सेकेंड सपोर्ट ये वाला देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ से हम बाय की तरफ देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक का हमारा एकदम आसान सा एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज था। जो हमने एनालाइज किया था मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इस वीक हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे अगर हम, तो अभी हम एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। देखिए हमने ये वाला जो सपोर्ट मार्क किया ना, प्रीवियस टाइम का ही सपोर्ट यहाँ पे मार्क हो रहा है हमारा, तो ये काफी अच्छा सा सपोर्ट है, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देंगे। अभी मार्केट सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से हमें बाय में देखने को मिला है, तो यहाँ पे हो सकता है मैं भी रेजिस्टेंस ले मार्केट, ध्यान देना फ्रेंड्स, हो सकता है मैं भी अगेन इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह करे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना फ्रेंड्स वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो यहाँ से बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ से जो भी अपॉर्चुनिटी देखना है हमें अभी सेलिंग के लिए देखना है, ठीक है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखना है। तो हो सकता है मैं भी यहाँ से मैं मार्केट फॉल करता हुआ देखने को मिले इस रेजिस्टेंस से। कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, 1.08412 का यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है इस लेवल के आसपास। अब ये वाला रेजिस्टेंस हमने इसलिए मार्क किया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट था बट मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो अगेन यहाँ से इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप शॉर्ट देख रहे हैं तो किस लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, किस लेवल के आसपास टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये वाला सपोर्ट मार करेंगे, ठीक है। ये हमने सपोर्ट मार कर लिया, काफी अच्छा सा है हमारे लिए टारगेट, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है, आसानी से हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो। लेवल कौन सा है, 1.06930 का यहाँ से हमें एक सेकेंड सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये वाला जो फर्स्ट सपोर्ट है ना फ्रेंड्स इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो सेकेंड सपोर्ट पे यहाँ पे आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इस लेवल के आसपास भी मार्केट यहाँ से हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, सिंपल यहाँ पे हमने एक जो प्रीवियस टाइम हमने रेजिस्टेंस मार किया था बस इसी लेवल को एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमें वेट करना है। इस लेवल के आसपास मार्केट हमें अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखाएगा तो फिर यहाँ से हम सेल वगैरह प्लान कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट हम इस लेवल के आसपास अपना प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एकदम इजी सा एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको एनालाइज पसंद आया हो। एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो यहां से फ्रेंड्स देखिए अब हम समझ लेते हैं जीबीपी यूएसडी के बारे में। जीबीपी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और प्रीवियस वीक जीबीपी यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज था। फ्रेंड्स यहां पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीक जीबीपी यूएसडी में
हमने क्या किया था, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया मार किया था और ये था हमारा सपोर्ट एरिया। सिंपल एनालाइज था, एकदम इजी एनालाइज। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, यहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा, डेट के साथ आप देखते हैं, यहाँ से 15 तारीख आप देखते हैं, इस लेवल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, मार्केट इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। देखिए ड्रॉइंग बनी हुई है और यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस लेता वो देखने को मिलता, फिर यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट हमारे सपोर्ट के आसपास प्लान करना है। और एग्जैक्ट मार्केट ने देखिए इसी लेवल का यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फॉल कर दिया, और फॉल कहाँ तक किया, जो हमने सपोर्ट मार किया था एग्जैक्ट उसी लेवल का। और फिर सेकंड यहाँ पे हमारा व्यू था, मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें बाय में देखने को मिल सकता है। देखिए सपोर्ट लिया मार्केट, फिर से यहाँ से बाय में देखने को मिला, तो यहाँ से हमने शॉर्ट में भी यहाँ से पैसा कमाया और बाय में भी पैसा कमाया, यानी दोनों तरफ यहाँ से हमने काफी अच्छा सेल भी किया और बाय भी किया GBPUSD में। चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में हम GBPUSD में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला सपोर्ट। तो अभी जो भी हमें ट्रेड को यहाँ से प्लान करना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही हमारे ट्रेड को प्लान करना चाहिए। किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, अभी हम मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास, तो रेजिस्टेंस के आसपास अगेन आता है, फिर यहाँ से हम सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ से अगेन मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर से हमें यहाँ से बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। लेवल कौन सा है, 1.24987 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट की अगर बात करें तो 1.23907 का ये हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा। तो अभी फिलहाल में हमें इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अंदर ही हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सपोर्ट पे आए तो बाय हम देख सकते हैं और रेजिस्टेंस पे आए तो हम यहाँ से सेल वगैरह प्लान कर सकते। इस टाइप का हम GBPUSD में इस वीक एक एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं USD JPY में हमें इस वीक क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे प्रीवियस वीक USD JPY में हमारा क्या एनालाइज था। यहाँ पे USD JPY में अगर आप देखेंगे तो सिंपल से एनालाइज था, हमने क्या किया, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार किया था, यहाँ पे हमने देखा हमारे ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, प्रीवियस टाइम काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है, और अगेन मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हमें बाय में देखने को मिल रहा था। तो हमारा व्यू था मार्केट को थोड़ा बहुत हम करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करता है यानी इस लेवल के आसपास फॉल करता तो यहाँ से हमें बाय का एक शानदार सा सेटअप देखने को मिल सकता है, यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा, वो टारगेट काफी बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन तो किया, थोड़ा सा किया, देखिए यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर मार्केट यहाँ से बाय में देखने को मिला। तो प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था USD JPY में काफी इजी एनालाइज था और परफेक्ट एनालाइज था। अभी फ्रेंड्स इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं USD JPY में, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा, देखिए मार्केट ने इस लेवल से यहाँ तक एक हाई लगाया, ठीक है, अभी मार्केट देखा जाए तो देखिए किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से यहाँ से समझ पाए। अभी मार्केट देखिए हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई यहाँ पे बना है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है एक अप ट्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखना है, बाइंग का सेटअप। अब बाय का सेटअप किस तरीके से देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मार्केट के लिए यहाँ पे वेट करेंगे करेक्शन के लिए इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट अगेन सपोर्ट लेने आए, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय का सेटअप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे मार्केट में हमें बाय डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, देखिए डायरेक्टली ऐसे बाय नहीं करना चाहिए, हमें एक लेवल तक आने के लिए वेट करना चाहिए। तो ये काफी अच्छा लेवल है। अब काफी अच्छा लेवल कैसे है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए मैं यहाँ से लो से पकड़ता हूँ और हाई तक सिंपल फिबोनाची को मार करता हूँ, लो टू हाई जैसे मैं फिबोनाची को यहाँ पे मार करता हूँ तो हमारे सामने एक शानदार सा लेवल निकल के आ जाता है, कौन सा है, 0.618% का, और इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है काफी अच्छे से। यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने भी आ सकता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने आए, फिर यहाँ से हम बाय का सेटअप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत और हमें इसको इस तरीके से भी एक एरिया को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, 136.065 का ये हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इस लेवल तक मार्केट आए तो बहुत शानदार सा हमें बाय का सेटअप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास मार्केट आए, फिर यहाँ से हम बाय वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास भी आ सकता है, कहने का मतलब इस एरिया के आसपास मार्केट
सपोर्ट लेने के बाद फिर हमें बाय में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस वीक में यूएसडी जेपी बाय करेंसी पेयर में एक इजी एनालाइज करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स, इस वीक में हम यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपी बाय में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से एक कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप इजीली हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।